हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह अच्छे हो। दोस्तों, हर किसी को खूबसूरत और ग्लैमरस दिखना अच्छा लगता है। मेकअप लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकता है, पर ज़्यादातर लोग मेकअप के नाम पर सिर्फ कंसीलर, फाउंडेशन, लिपस्टिक और ब्लश लगाने में व्यस्त रहते हैं और आंखों के मेकअप के बारे में सोचते भी नहीं, जबकि आंखों का मेकअप आपको एक अलग लुक पाने में मदद कर सकता है। अच्छे आंखों के मेकअप से थकावट को दूर कर चेहरे में ताजगी दिखाई जा सकती है, सांवली त्वचा को साफ दिखाया जा सकता है, छोटी आंखों को बड़ा लुक दिया जा सकता है। हमारे इस कैटेगरी में आप इन्हीं तमाम चीजों से जुड़े टिप्स जानेंगे और देखेंगे। आइए पहले जान लेते हैं आई मेकअप से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। तो चलिए चलते हैं आपको एक्सपर्ट के पास लेकर, जो आपको बताएंगी आंखों की मेकअप की खूबसूरती के राज। आज मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे कि हम देख रहे हैं समर सीजन आ गया है और हमारी इवनिंग पार्टीज होती हैं, तो उसमें हम लोग जनरली ग्लिटर अवॉइड करते हैं क्योंकि समर्स में इतना ग्लिटर, इतना शाइन अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको आज एक हैक दिखाऊंगी जिसमें हम ग्लिटर भी लगाएंगे बट वो टू मच भी नहीं लगेगा। सबसे पहले हम आईज को क्लीन करते हैं, आई बेस लगाते हैं। आई बेस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे आई शेडो की लॉन्ग लास्टिंग रहे, लॉन्जेविटी बनी रहे। हमेशा दोनों आंखें साथ साथ करेंगे। एक सॉफ्ट पिंक कलर ले रही हूँ आई शेडो का और सबसे पहले हम क्रीज करते हैं। ये हमारी क्रीज होती है, तो हम एक विंडशील्ड मूवमेंट में करते हैं। बेसिकली ये हमारी आईज को एक कॉन्टोर इफेक्ट देता है, एक शेप देता है। इसके बाद मैं बहुत न्यूट्रल से कलर का आई शेडो, पीची कलर का आई शेडो लगाऊंगी आईलिड पर। निशा हाइलाइटर अपनी आंख को ऐसे लिफ्ट अप करके लगाएंगे और सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ब्राउनिश ब्लैक कलर से हम स्मोक आउट करेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, जब हम प्रोडक्ट लेते हैं वो हम एक्सेस एक बार जरूर ऐसे हटाएंगे। इसको हम ब्लेंड करेंगे। हम आईलाइनर ब्रश लेंगे। पहले हम विंग लाइनर ब्लैक कलर से लगाएंगे। विंग लाइनर का फिर ये होता है, हमारे दोनों लाइनर्स का जो विंग होता है वो इक्वल होना चाहिए। गलतन ने आई है वंटन कोड़ी चल गई धाय। एक ग्लिटर लाइनर, ये ऐसा होता है ग्लिटर लाइनर, लिक्विडी फॉर्म में होता है। इसको लेके हम जस्ट वेयर हमारा लाइनर एंड हो रहा है वहां पे लेके जाएंगे। एक पतली सी नीट लाइन, हल्का सा टच अप जरूर देंगे अपने ब्लैक लाइनर पे ताकि लाइन और डिफाइन हो जाए। आई लैशेज लगाएंगे। जो हमारा इनर कॉर्नर होता है, इनर कॉर्नर, उसमें लैशेस के जो छोटे बालों का हिस्सा होता है, ये वाला, ये लगेगा इनर कॉर्नर पे। ये ट्रिक है जिससे आपको पता लगेगा कौन सा लेफ्ट आई में है, कौन सा राइट आई में है। सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये लगाने के बाद ऑलवेज हम लाइनर का टच अप देंगे। अगर आप काजल लगाते हैं, ये आई मेकअप आप सब कर सकते हैं जब आपको समर्स में ग्लिटर आईज चाहिए हो लेकिन ग्लिटर ना लगाना हो। सो ये सॉल्व्स बोथ द पर्पस। इसी तरह आंखों के मेकअप के विषय में तमाम जानकारी से संबंधित वीडियो और आंखों का मेकअप कैसे करें और उन्हें खूबसूरत लुक देने के टिप्स के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है।
आंखों का मेकअप करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और आंखों के मेकअप से कैसे सुरक्षित रखना चाहिए आंखों को, चलिए ये तो हमने आपको बता दिया। आई मेकअप करते वक्त बस आपको ये ध्यान रखना है कि शरीर का नाजुक हिस्सा है आंखें, जिनकी सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आंखों के मेकअप के बारे में जानना जितना जरूरी है, उतना ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी सचेत रहने की जरूरत होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपके लिए कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सारा को दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड बाय बाय।